हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रॉयल एससी वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा आउटडोर वेयरिंग। जैसे कि बहुत लोग इसमें परेशान होते हैं और बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सिंगल कैपेसिटर की आउटडोर वेयरिंग किस तरह से की जाती है, या वायरिंग जलने के बाद उसको वापस वायरिंग करने के लिए कितना प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा आउटडोर की वायरिंग। ये एक डाइकिन का मशीन, इसका हमने एक वायरिंग पैनल और ये कवर ओपन किया। ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारी सिंगल फेस का मशीन और ये इसका वायरिंग पैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है फर्स्ट में लाइन। फर्स्ट पावर सप्लाई लाइन न्यूट्रल, आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन लाइन न्यूट्रल। ये थ्री वाला जो है ये सीपी होता है और ये अर्थ। जैसे यहाँ पे आप कलर कोड के हिसाब से देख सकते हो, रेड फेस, ब्लैक न्यूट्रल, येलो सीपी, ग्रीन अर्थ। अब मेरे एक दोस्त ने कहा था कि ये दो कनेक्टर देते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये दो कनेक्टर क्यों देते हैं, यानी ये इंडोर में भी होते हैं और ये आउटडोर में भी होते हैं। कनेक्टर है, ये एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे। ये कनेक्टर सिर्फ डाइकिन में आते। ये कनेक्टर इसलिए डाइकिन देता है कि बहुत से बंगलों में डाइकिन को जो है तो आउटडोर को सप्लाई चाहिए, यानी प्रोफेशनल सप्लाई जो चाहिए डाइकिन को आउटडोर में दिया जाता है। लेकिन अब जैसे ये बंगले में एसी लगा हुआ है, तो इसका जो जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इसका सप्लाई इंडोर में दे दिया गया था, तो वहाँ पर सेम ऐसे ही दो कनेक्टर होते हैं। ये आपका इंडोर से आउटडोर कनेक्शन लगाने के लिए, और ये वाला जो आपका तो मेन सप्लाई लगाने के लिए। यानी अगर आप आउटडोर में सप्लाई देते हो तो आप यहाँ पर इंडोर का सप्लाई लगाइए और ऊपर वाले में मेन सप्लाई लगाइए, और सीपी का वायर आपका कॉमन रहेगा, इसलिए ये दो कनेक्टर दिए जाते हैं। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये दो कनेक्टर है, इसमें से यहाँ पर लगाऊँ या यहाँ पर लगाऊँ। ये जैसा मेरा दोस्त बता रहा था कि मैंने यहाँ पर फेज न्यूट्रल लगाया और सीपी का वायर यहाँ पर लगाया, तो कुछ होता है क्या? तो इससे कुछ नहीं होता है, ये कॉमन होता है, ये दोनों कॉमन कनेक्शन है। यानी आप यहाँ पर लगाओ या यहाँ पर लगाओ, ये कॉमन है। तो अब मैं आपको बताऊँगा इंटरनल वायरिंग। जैसा आपने देखा, एक नंबर में फेज था, लेकिन एक नंबर में ऊपर से कनेक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है तो इंडोर में दिया हुआ है। अगर आप इसको आउटडोर में कनेक्शन देते तो आपका यहाँ पर फेस और यहाँ से एक पलट के इंडोर के लिए फेस जाता था। जो मेन सप्लाई आता था आपका एक नंबर में लगता था और वहीं से पलट के नीचे वाले ब्लॉक में से इंडोर में जाता था, लेकिन इसका सप्लाई इंडोर में दिया है, इसीलिए आपका एक नंबर का जैक खाली है। अब रहा दो नंबर, जो है ब्लैक, ये वाला है ब्लैक, ये न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल ऊपर आता है ब्लू कलर में, ऊपर ये न्यूट्रल, जैसा आप देख सकते हो ब्लू, ये ब्लू है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल आपका जाएगा सीधा कैपेसिटर में, ये है सिंगल फेस कैपेसिटर वायरिंग। ये आपका जाएगा सीधा कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर में, और इसके अपोजिट से जो निकलेगा वो रहेगा आपका रन, कंप्रेसर का रन। ये आपका कैपेसिटर न्यूट्रल में दिया हुआ है, इसीलिए आपका न्यूट्रल से जो निकलेगा वो लगेगा रन, जैसा आप कंप्रेसर में देख सकते हो। ये रहा आपका कंप्रेसर का रन, ब्लू वाला आपका रन। और अब लेंगे हम सीपी येलो, जो ऊपर से निकला है वाइट, ऊपर से निकला है वाइट, ये वाइट आपका जाएगा सीधा कंप्रेसर में कॉमन। ये फेस, ये आपका वाइट सीपी जाएगा सीधा कंप्रेसर में कॉमन। ये आपका फेज है, इसमें आपका करंट आएगा सीपी का करंट। और यहाँ से जो ब्लू वायर आया था कैपेसिटर में, ब्लू वायर जो आया था आपका कैपेसिटर में, जहाँ से जो निकला था इसके अपोजिट, कैपेसिटर के जो अपोजिट से जो निकला था, ये आपके अपोजिट से जो निकला था, तो वो बना था आपका रन। और इसके अपोजिट मतलब ये एक कनेक्टर में से जो निकला था आपके, वो था रन, और इसके अपोजिट ये जो रेड है वो रेड बनेगा आपका स्टार्ट, क्योंकि ये कैपेसिटर न्यूट्रल में दिया हुआ है। तो ये न्यूट्रल से ये बन गया आपका रन,
ये बन गया आपका स्टार्ट, रेड वाला आपका स्टार्ट। तो ये सीधा जाएंगे आपका कंप्रेसर में, ये बन गया आपका रेड, ये रेड है आपका स्टार्ट, रेड है आपका स्टार्ट, वाइट है आपका कॉमन और ब्लू है आपका रन, जो इस तरह कैपेसिटर में वायरिंग की हुई है। ये है आपका ब्लू, ये ऊपर आपका रेड और वाइट आपका कॉमन सीधा कनेक्टर से आया। तो ये इस तरह आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और अब आपको कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद आपको फ़ैन स्टार्ट करना है, तो फ़ैन में भी सेम वायरिंग आती है। ये आपका फ़ैन का वायरिंग, ये आपके फ़ैन के तीन वायर, ये फ़ैन के आपके तीन वायर, रेड वाइट ब्लैक। इसमें जो ब्लैक है वो है फेस ब्लैक, यानी इसमें कॉमन है। तो ये जाके आपका लग गया कनेक्टर में, सीपी में, ये आपका सीपी में लग गया यहाँ पे जाके। तो जैसे ही आपके सीपी में करंट आएगा, इसमें आपको आपके फ़ैन को करंट मिल जाएगा। अब आपको इसको चाहिए कैपेसिटर, यानी इसमें वाइट और रेड। तो ये जो आपका कॉमन बना था कंप्रेसर का, जो आपका कैपेसिटर में जो आपका स्टार्ट और रन बना था, जो ये न्यूट्रल था, यानी ये कंप्रेसर, ये आपको फ़ैन का, इसमें एक अलग से सिस्टम है। तो ये आपका एक फ़ैन, और ये इसमें इंटरनल है, थ्री पोल कैपेसिटर है, इसमें इन्हें फ़ैन का एक अलग से जैक सिस्टम दिया है। तो ये आपका एक फ़ैन, ये आपका फ़ैन, ये आपका फ़ैन, और ये आपका फ़ैन का फेस। तो इस तरह आपका फ़ैन चालू हो जाएगा। तो ये आपकी थी इंटरनल वायरिंग। अब मैं आपको उसको ऑन करके बताऊँगा। जैसे आपका सीपी में फेज आया, आपका फ़ैन और आपका कंप्रेसर ऑन हो गया। तो ये थी हमारे सिंगल फेस वन कैपेसिटर वायरिंग, जो बहुत इजी है। तो इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूर समझा। ऐसी टेक्निकल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रॉयल एसी वर्ल्ड। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।